हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एमपीजी के महारिविजन सीरीज़ का पार्ट 6। यह एमपीजी की सीरीज़ आने वाले एग्ज़ाम एमपी कांस्टेबल, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो अगर आपने एमपी का मैप अच्छे से स्टडी किया है तो आप देखेंगे एमपी के मैप में पश्चिम में क्या है, बड़वानी की पहाड़ियां हैं। फिर बीच में आएंगे तो महादेव श्रेणी मिलेगी पचमढ़ी एरिया में। फिर पूर्व में जाएंगे तो मैकल श्रेणी मिलेगी जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम होता है। अगर ये बातें आपको पता हैं तो आप इसका क्रम सही से जमा लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है। कौन सी नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है। आपके ऑप्शन हैं नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी खड्डभूमि के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर खड्डभूमि के कारण ये विख्यात इसलिए भी है कि यहाँ पे जो चंबल के डाकू होते थे, चंबल के डाकू इन्हीं खड्डभूमियों में छिप जाते थे जब पुलिस उन्हें पकड़ने आती थी, तो इससे वो पकड़े नहीं जाते थे। तो चंबल के डाकुओं को छिपने में बहुत सहायक होती थी खड्डभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर। तो पन्ना का जो हवाई अड्डा है वो क्रियाशील नहीं है अभी, बाकी खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर में हवाई अड्डा क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। तो मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे आप तो राजस्थान एमपी के पश्चिम उत्तर पश्चिम में है और गुजरात दक्षिण पश्चिम में है, महाराष्ट्र दक्षिण में है, झारखंड जो है एमपी की सीमा से नहीं लगता है। एमपी के पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहे हैं। श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आर परशुराम, डॉक्टर अजीत रायजादा, श्री अवनी बैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अवनी बैस। श्री अवनी बैस मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। राज्य पक्षी का नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दूधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए चरण पादुका, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमझेरा नरसंहार। तो चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भी अंग्रेजों द्वारा आम सभा पर गोलियाँ चलाई गई थी, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हुई थी। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। और ये चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश में ये कब हुआ था, ये हुआ था 14 जनवरी 1930 को, 14th of January 1930। कहाँ पे हुआ था ये, छतरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा है, अच्छे संख्या है यहाँ पे, अच्छी जनसंख्या है रॉयल बंगाल टाइगर की। और यहाँ पे इंडियन लेपर्ड, स्लॉट बियर, बारहसिंघा, वाइल्ड डॉग, ये सब भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है। फर्टिलाइजर, न्यूज़पेपर, शुगर, वूल एंड टेक्सटाइल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूज़ प्रिंट पेपर। नेपा नगर कहाँ है, बुरहानपुर में। किसके लिए फेमस है, न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल के लिए, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1957 में। कहाँ स्थापित किया गया था ये, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था, ग्वालियर में 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाजखंड किस खनिज के उत्पादन से जुड़ा है। ऑप्शन हैं लिग्नाइट, कॉपर, हीरा, लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। मलाजखंड कहाँ पे है, बालाघाट में है, कॉपर की खुले मुँह की खदान है ये, बहुत ही फेमस खदान है, आप सभी जानते होंगे ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में शामिल नहीं होती है। ऑप्शन है छिपरा, कालीसिंध, बेतवा, पार्वती।
तो छिपरा जो नदी है ये चंबल में मिल जाती है, काली सिंधी भी चंबल में मिल जाती है, पार्वती भी चंबल में मिल जाती है, लेकिन जो बेतवा नदी है ये सीधे जाके यमुना में मिलती है, ये चंबल में नहीं मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी। तो इसका सही आंसर है झाबुआ, सॉरी। आंसर क्या दिया है? ऑप्शंस में तो अलीराजपुर दिया है, इसको चेक करना पड़ेगा क्या है इसका, मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो माधव राव सिंधिया कहाँ से संबंधित है? ये ग्वालियर से संबंधित है, तो इनका संगीत विद्यालय भी कहाँ होगा? ग्वालियर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में लिंगानुपात 1,000 से अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात ऑप्शन के हिसाब से डिंडोरी में सबसे अधिक है, 1,000 से अधिक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मध्य प्रदेश में बालाघाट में 1,021, उसके बाद अलीराजपुर 1,011, फिर मंडला 1,008, फिर आता है डिंडोरी 1,002। तो ऑप्शन में मंडला, अलीराजपुर, डिंडोरी ये नहीं है, सॉरी, मंडला, अलीराजपुर, बालाघाट ये ऑप्शन में नहीं है, तो डिंडोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।